बॉटम करवाया गया है। पुलिस ने केस की कॉग्निजेंस ले ली हुई है और आज मैंने खुद भी इस स्पॉट को विजिट किया जहां पे बच्ची की लाश मिली थी और मैं आपके ज़रिए भी और मैंने लोगों से भी यहां बात की और उनका कोऑपरेशन यहां पे मांगा कि वो इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ जो भी इनपुट्स उनके पास होंगे वो देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपके ज़रिए भी आवाम को भी ये यकीन दिलाता हूँ कि ये बहुत जल्दी मेरी पुलिस टीम जो है मुझे पूरा यकीन है कि वो इस केस को क्रैक करेगी और जो इस कातिल है उस तक पहुंचेंगे। जैसे हम लास्ट के वाक़या देखें, आउरा का वाक़या देखें, उसके पहले बातरगाम का वाक़या देखें, क्यों आपको लग रहा है कि अब शायद वो इंसानियत नहीं रह चुकी है? क्योंकि अगर आप ऐसे वाक़या देखिए, ये तो मतलब सिंस जब से मतलब इंसान ज़मीन पर आया है तो क्राइम उसका एक पार्ट रहा है। अलबत्ता ऐसा घिनौना क्राइम बिल्कुल कभी कभी होता है, आपने देखा जो लास्ट ईयर एक बच्चे का, वो हम उसमें कामयाब हुए थे उसको सॉल्व करने में, और उसी तरीके से हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी। किस तरह आपका सर क्राइम रेट को देखते हैं ऐसे वाक़यात, क्योंकि पिछले साल भी हुआ और इस बार अब आबादी लोलाब में जहाँ पे ऐसे वाक़यात ही नहीं सामने नहीं आते थे, लेकिन अब भी ऐसा हो रहा है, क्राइम रेट को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये इंसान की अपनी साइकोलॉजी है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट भी नहीं, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि आदमी के माइंड को पढ़ने के लिए, बट ये मैं बताता चलूँ आपको कि आप अगर सिविलाइजेशन को देखेंगे, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से पहरेदारी या ये सिस्टम निज़ाम चलते रहे हैं, और मुझे लगता है कि सोसाइटी का एक मतलब जो क्राइम है वो किसी भी माशरे में कभी ना कभी किसी कभी एक उसका पहलू होता है, कभी दूसरा होता है। बहरहाल ये हमारी लेकिन एक कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारा समाज जो है वो किस तरीके से जा रहा है, और मुझे लगता है एक सबको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हम अच्छे नागरिक, और आजकल खासकर रमज़ान जब चल रहा है उसमें ये ऐसी वारदात होना ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज़ है जी। और सबको ये आंखें खोलने दिमाग खोलने की ज़रूरत है कि हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो किस तरफ जा रही हैं। बहरहाल हमें इस जो कुंभे के साथ भी पूरी हमदर्दी है, बच्ची का नुकसान जो है जिस तरीके से सभी आप लोग इसके साथ हम भी पूरे शरीक हैं इनके अफसोस में, बट जो हमारी अवलिन ड्यूटी है कि हम कातिल तक पहुँचें वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम बहुत जल्दी कातिल तक